राजधानी लखनऊ के घंटाघर पर पिछले 14 दिनों से चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल महिलाओं का हौसला अफजाई के लिए पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी घंटाघर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप लोग हिम्मत रखिए, हम सब आपके साथ हैं। अगर आप पर गोली चलेगी तो सबसे पहले मैं अपने सीने पर गोली खाऊंगा। यहाँ की तहजीब, यहाँ के ख्यालात, यहाँ के कल्चर, यहाँ के इतिहास, यहाँ की तारीख, इस सबको तकसीम से रोकने के लिए यहाँ की माओ बहनों ने, बेटियों ने जो कदम उठाया है, ये काबिल तारीफ है और मेरी पूरी पूरी इनको। लेकिन इनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है या जानबूझ के नजरअंदाज किया जा रहा है? देखिए, आवाज को सुना नहीं जाना तो मुमकिन है नहीं। अगर लोग अपने कान बंद कर लें, कानों में तेल भर लें, कानों में मोम डाल लें तो आवाज की ताकत पहला देती है, खत्म कर देती है उनको। आवाज हेडर को भी सुनना पड़ी, बसुंडी को भी सुनना पड़ी, दुनिया के बड़े बड़े जो डॉक्टर रहे उनको सुनना पड़ी। ये आवाज बेकार नहीं आई कभी, ये आवाज हिंदुस्तान की आवाम सुनना है, तारीख खुल रही है और इनकी अपने आप उस आवाज के सामने सब ढेर हो जाएंगे, ये लोग खत्म हो जाएगा इनके। लेकिन जिस तरह कुछ राज्यों ने इस कानून के खिलाफ जो है आदेश पारित करके और लगाया है, उससे क्या उससे फेडरल सिस्टम और ये जो इंटरनेशनल अमरीका में तो सिस्टम मानते हैं, नहीं मानते अमरीका में ये सिस्टम है ना? ये अमेरिका में 10 मसाले हैं कि वहाँ की स्टेट्स ने फेडरल गवर्नमेंट के कानून के खिलाफ प्रस्ताव पास किए, बात किए घोटा के देखिए इनके आप ही। और फेडरल गवर्नमेंट का मानता हूँ मैं कि चक्कर और पापना है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में जहाँ एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, एक रेजिडेंट लिस्ट, सब लिस्टें होती है ना, ये उन पर आप कानून होते हैं आगे, ये कहाँ डालेंगे इस कानून को आगे? वो आप एक मुल्क में रहते हुए बरसों जो डराए आप उनसे मान जाएगी, आप बाप कहाँ पैदा हुआ था आपका, दादा कहाँ पैदा हुआ था आपका, तो गैर मुल्की है नहीं, उनमें कोई तरीका है कोई मदद करने का? सिर्फ एक खानदान को, सिर्फ एक नेहरू खानदान को, नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए इसे हरकत कर रहे हैं। इनको इनकी जान निकली आती है उस खानदान से। लेकिन यूरोपीय यूनियन ने भी इस कानून के खिलाफ यूरो ने किया, मगर ह्यूमन राइट कमीशन ने किया और यूरोप यूनियन में आज शायद बहस होगी इसको बारा के। हुकूमत ने बहुत सोच की कि नहीं आया, लेकिन नहीं माना, आज बहस कर रहा है इसको बारा के। सारी दुनिया में हमारा खराब हो रहा है। लेकिन आला इख्तदार को जो बैठे लोग हैं वो मनफी बयान तो दे रहे हैं मुस्बत बात करने के बजाय, उसमें क्या कहेंगे? आला इख्तदार में बैठे बड़े लोग का दिमाग नहीं है, सोचने की ताकत नहीं हो उनके दिमाग में, रखा परस्ती का, तंगमर्दी का चर्बी छा गई उनकी आंखों में, तो क्या चलेगा? तारीख फैसला करेगी, जनता फैसला करेगी इसकी।